लोकसभा में आजम खान की तरफ से बीजेपी सांसद रमा देवी पर विवादित टिप्पणी को लेकर जहां सभी नेता निंदा कर रहे हैं, वहीं हम पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने आजम खान का बचाव किया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि लोग आजम खान के बयान को गलत नजरिए से देख रहे हैं। जाति रही भावना जैसे प्रभु मूर्त दे तैसी, यानी हम आदमी को दोस्त भी समझ सकते हैं, आदमी को दुश्मन भी समझते हैं, वो हमारी भावना पर है। यानी हम चश्मा अगर हरा लगाएंगे तो हरा सूझेगा, सफ़ेद लगाएंगे तो सफेद सूझेगा। रही बात आजम खान जो पार्लियामेंट में बोले, हम भी देखा सुना है, जब सभापति का अध्यक्ष सभापति के रूप में रमा देवी बात कर रही थी कि मेरे तक मुड़ करके देखिए उधर मत बोलिए, उनका भी कहना ठीक था। इसी पर उन्होंने कहा कि आप प्यारी बहन हैं, आपको देख रहे हैं हम, आप उनके आँख पे आँख मिला करके हम बात कर रहे हैं, जीतनराम मांझी ने आजम खान के बचाव में सवाल करते हुए पूछा कि अगर बच्चा अपनी माँ को और माँ अपने बच्चे को किस करते हैं तो क्या वो गलत काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के लोग इस बयान को एक गलत नजरिए से देख रहे हैं जो उचित नहीं है। भावना अगर ठीक है तब तो कुछ नहीं है, नहीं भावना गलत समझ करके तो यही दूसरे पार्टी के लोग इस भावना को गलत रूप में प्रचार करते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं तो ये भी कहा उदाहरण दिया कि माँ बेटा, जवान माँ मतलब बेटा है, और माँ चाहे जवान हो चाहे वैसे, जब बहुत दिनों के बाद कोई संकट के बाद आते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, तो सेक्स है। उसी प्रकार से भाई बहन का भी मामला है, आज तो एक चल गया है रक्षाबंधन का मामला होता है, कहीं और बात होती है, भाई बहन आपस में मिलते हैं तो आलिंगन करते हैं, गला में मिलते हैं, हो सकता है किस भी कहीं पर लोग करते हैं, तो क्या उस सेक्स है। तो करने का मतलब इस पावन और पवित्र जो इरादा है उसको नापाक रूप में प्रेषित करके आज एक तरफा लड़ाई करना चाहते हैं ये भाजपा के लोग, उसको हम उचित नहीं समझते हैं। वहीं उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि अगर आजम खान के बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो उनको आगे बढ़कर माफी मांग लेनी चाहिए। और भाजपा के अलावा भी अगर लोग कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये गलत हुआ है, तो हम उनसे अनुरोध यही करना चाहेंगे कि इस भावना को गलत नहीं समझना चाहिए। बावजूद उसके हम आजम खान से भी अनुरोध करते हैं कि भाई आपने तो बहुत नेक इरादा से बात करी, हम आपको तस्दीक करते हैं, लेकिन अगर इसको लोग बुरा मान लिया है तो आप माफी मांग लीजिए। बता दें कि बीजेपी सांसद रमा देवी पर विवादित बयान देने के बाद से आजम खान की निंदा हो रही है, जिसके बाद बीजेपी समेत लगभग सभी पार्टियों के सांसद उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट।